से तो बड़ी चीज़ है कि सहयोग ये प्यार की देन है। परमात्मा का जो प्यार हमारे अंदर है वो प्यार आपको मिलता है, और प्यार से बढ़ के संसार में कोई चीज़। जिसने प्यार की महिमा जानी उसके लिए फिर और चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, सारे मूल्य उसके स्थापित हो जाते हैं। प्यार ही वो पानी है जिससे कि अपने देश का जो ये बड़ा सुंदर पेड़ है ये सजीव हो जाए। आपसी प्यार, आपसी दोस्ती अगर हमारे अंदर आपसी प्यार होता और आपसी एकता होती तो क्या मजाल है कि हमारे ऊपर किसी और का राज्य हो सकता था। आपसी प्यार, आपसी दोस्ती, आपसी एकता आने के लिए सहयोग चाहिए। इससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, स्थापित होती। दूसरा कौन है, सब एक जीव हो जाते। अब देखिए इतने दूसरे दूसरे देश से लोग आए हैं, अनेक धर्मों का पालन करने वाले, इनमें जो एक जीवता है, इनमें जो समाधान है, एकात्म का है, वो आपको कहीं नहीं मिले। आप हैरान हो जाए कि किस तरह से ये लोग एक हो गए। आप और किसी गुरु के वहाँ जाके देखिए, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपस में लड़ेंगे, गुरु से लड़ेंगे, पूरे समय लड़ते रहेंगे, लेकिन जब आप सहज में अपने को प्राप्त करते हैं तो ये जानते हैं कि हम भी उसी समुद्र के एक बिंदु हैं जिसमें सब एकाकारी था। समुद्र के आंदोलन से हम उठते हैं, गिरते हैं, चढ़ते हैं। ऐसी सुंदर स्थिति, ऐसी सुंदर समाज व्यवस्था अपने आप घटित हो रही है और इस हिंदुस्तान में होगी। जो गलत लोग घुस आए हैं और अपने को बड़े अधिकारी समझते हैं, इन्होंने कोई त्याग किए नहीं, इन्होंने देश के लिए कोई संग्राम किया नहीं, मुफ्त में आके कुर्सी पे बैठ गए। इसलिए अपनी देश के प्रति भक्ति होना ये बहुत आवश्यक। महज इसलिए नहीं कि ये हमारा देश है, हमारा जन्म हो, क्योंकि ये बड़ा महान देश है। इसकी महानता मैं तो वर्णन नहीं कर सकती। कभी अगर मेरे पास समय मिला तो मैं थोड़ा बहुत लिखना चाहती हूँ कि ये देश कितना महान है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए आप लोगों में भी सहज की कुछ न कुछ प्रकृति आनी चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि इस देश में कितनी कितनी गहन बातें हमारे लिए हो गए, हमारा इतिहास हो गया, कैसी कैसी चीज़ें। देशभक्ति ये बहुत आवश्यक चीज़ है। अगर आपके अंदर देश में भक्ति नहीं है तो आप सहज में आ नहीं सकते। इस देश के प्रति आप ही को भक्ति नहीं, इन सब लोगों को है जो 75 देशों में सहयोग कर रहे हैं। आपके देश के प्रति इतनी भक्ति है कि जब ये बाहर से आते हैं तो आकर के और इस अपनी ज़मीन को झुक कर नमस्कार करते हैं और चूमते हैं। अब यही आपको सिखा सकते हैं कि आप अपने देश की शक्ति को पहचानें और देश का वंदन करें। इस पर तो बोलते रहें तो बोलते ही रहेंगे हम, और आज आप लोग इतने दूर दूर से आए हैं, ठंडक में आए हैं, और एक माँ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है इतने बच्चे सामने हो तो क्या और कह सकते। मैं सिर्फ आपको यही आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि आप आज इसी वक्त यहाँ पर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, और उसके लिए कुछ आपको करना नहीं, मैंने साफ बता दिया। आप जहाँ बैठे हैं वहीं आपको गंगा पहुंचा देंगे, और आप स्वयं अपने हाथ में देखेंगे कि ठंडी ठंडी हवा बयार जैसे बह रहे। ये भी बड़ी सूक्ष्म चीज़ है, ये क्या है, ये बयार कैसी आती है, ये क्या है। अब ये सारी बातें बताने का समय नहीं, किंतु किसी दिन ज़रूर आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। यही चैतन्य का प्रभाव जो हमारे अंदर से बह रहा है, और इसी के दम पर कितनी चीज़ें आप कर सकते हैं। अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तो आप ठीक कर ही सकते हैं, पर औरों का भी ठीक कर सकते हैं।
ऐसे आप महान हैं और आप कीचड़ में कर फंसे रहे तो मैं उसे क्या कर सकती। आपसे अब इतनी विनती है कि एक 10 मिनट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसे प्राप्त करना। जो कुछ भी मैंने कहा सुना उसको यही जानना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति का जागरण करने से पहले तैयारी हो रही थी, उसके बगैर नहीं हो सकता। कायरों का काम नहीं है, और मैंने आपसे कहा कि मूर्खों का भी काम है। तो समझदारी से इस चीज़ को स्वीकार करें कि आप स्वयं आत्मा हैं, और आत्मा को प्राप्त करना ही एक ही लक्ष्य है जीवन का, और कोई लक्ष्य नहीं।